प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो कभी कभी बदले की आग ऐसी धधकती है कि सालों बीत जाने के बावजूद भी नहीं बुझती है। एक ऐसी ही बदले की कहानी मुरैना से सामने आई। यहाँ 5 से 6 साल पुराना बदला लेने के लिए एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या था ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चंबल का मुरैना गांव लगभग सुबह 6 बजे का समय था। ठंडी हवाएं और चिड़ियों के चहचहाट के बीच दो पक्षों में विवाद की शुरुआत होती है। कुछ देर बहस का दौर जारी रहता है। अड़ोसी पड़ोसी सब घरों से बाहर निकल आते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तब तक ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से गांव सहम जाता है। शिवा अंदर, सानू अंदर हो जा। पहले लाठियां निकली, फिर घरों से बंदूकें निकल आई। बंदूक हाथ में आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। सुबह करीब 6 बजे गांव के 2 परिवार जमीन को लेकर आपस में भिड़ गए। घरों की महिलाएं बाहर निकल आई और मुवाद शुरू हो गया। पुरुष हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा रूप ले लिया। थोड़े ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने घर से बंदूकें निकाल ली और दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बंदूक चलते ही वहां भगदड़ मच गई। देखते ही देखते 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले एक ही परिवार के हैं, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गोली लगने से 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरैना चंबल का एरिया डाकू के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर डकैत जंगलों और पहाड़ों में छिपकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। लेकिन यहाँ चंबल की एक कहावत है, खून का बदला खून। ये कहावत पुराने समय से चली आ रही है। इसी कहावत से जुड़ी ये घटना भी सामने आई है। करीब 4 से 5 साल पहले हुई हत्या का बदला लेने के लिए पहले तोमर समाज पर लाठी डंडे बरसाए गए। इसके बाद राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खूनी खेल से चंबल का पुराना नाता। जुलाई 2021, जमीनी विवाद में चली गोली, एक की मौत। अगस्त 2021, अवैध हथियार से महिला की हत्या। अगस्त 2022, एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। जनवरी 2023, 3 का कातिल बना पूर्व सरपंच। फरवरी 2023, 2 गुटों की झड़प में छात्रा की मौत। अप्रैल 2023, 2 पक्षों के विवाद में चली गोलियां। चंबल के डाकुओं की कहानी आपने फिल्मों में अक्सर देखी होगी, लेकिन क्या आपको वहां की ये कहावत मालूम है कि खून का बदला खून, जो कि ये पुराने समय से चली आ रही है। और ये कहावत वहाँ के लोग अमल भी करते हैं कि कहते हैं वहाँ पर अगर किसी के परिवार में किसी ने हत्या की है तो उसकी भी हत्या होना लाजमी है। ऐसी ही एक घटना जो सामने आई है, उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक युवक ने अपने घर के परिवार के सदस्य की 4-5 साल पहले हुई हत्या का बदला लेने के लिए आज तोमर समाज के घर पर पहुंच गया। वहां पर पहले लाठी डंडों से हमला किया, इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने राइफल उठाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से चंबल की कहानियां अक्सर सुनी और देखी जाती हैं, उसकी ये कहानी पर ये वीडियो ठीक बैठता है, क्योंकि इस वीडियो से साफ कहा जा सकता है कि उनमें पुलिस का भय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर भय होता तो इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। फिलहाल पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो चुकी है। फिलहाल सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों के अंदर पुलिस का भय क्यों खत्म है। आखिर पुलिस की जो सक्रियता है उस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। आखिरकार पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो अपनी
तहकीकात भी कर रही है और अपनी कार्रवाई भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूं तो पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां हर एक फरियादी की समस्या को सुना जाता है और न्याय की पहली शुरुआत भी यहीं से होती है। लेकिन अगर उसी पुलिस स्टेशन में पुलिस इन्हें सुरक्षित होगी तो सोचिए उस जगह की आम जनता का क्या हाल होगा। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से सामने आए हैं जहाँ पर पुलिस स्टेशन एक जंग का अखाड़ा बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। नेता और पुलिस अधिकारी के बीच झड़प, थाने में बवाल, मारपीट का कौन जिम्मेदार? थाने में हुए बवाल ने लिया सियासी मोड़, थाने के अंदर कांग्रेसियों ने क्यों किया हंगामा? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कानून की रक्षा करने वाले खुद ही सुरक्षित नहीं हैं। थाने के अंदर जमकर हंगामा हो रहा है और पुलिस अधिकारियों के साथ नेताओं के बीच जमकर गाली गलौज चल रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ही वीडियो जगदलपुर में तेजी से वायरल हो रहा है जहां जगदलपुर के थाने में कांग्रेस नेता व सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य और पुलिस अधीक्षक के बीच बहसा बहसी हो रही है और खूब हंगामा हो रहा है। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य की पुलिस अधिकारी विकास कुमार के साथ हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली के अंदर दोनों के बीच बहस हुई थी। विवाद काफी बढ़ गया जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पीट दिया। पुलिस जवानों और अन्य कांग्रेसियों ने बीच बचाव किया। मामले के बाद थाने में बवाल शुरू हो गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उधर आईपीएस विकास कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने सिटी कोतवाली प्रभारी के चैम्बर में ही रखा है। बाहर में जवानों की तैनाती की गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार थाना परिसर के अंदर घुस रहे हैं और सीएसपी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एएसपी, डीएसपी के अलावा आसपास के थाना के थाना प्रभारियों को भी मौके के लिए बुलाया गया था। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए अपनी बात रखी है। मामले में वरिष्ठ वकील संकल्प दुबे का कहना है कि पुलिस थाने के अंदर घटी ऐसी घटना निंदनीय है। पुलिस विभाग को तत्काल उग्रता और अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधीक्षक को कमरे में बंद कर सुरक्षा प्रदान करना पुलिस की कमजोरी को उजागर करता है और ये सवाल पैदा करता है कि आम जनता सुरक्षा देने वाली पुलिस कितनी सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा, ऐसी घटना एक जांच का विषय है। बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है और इसमें पुलिस को उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए जो थाने में ऐसी हरकत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो खबर निकल के आई, जो मुझे पता चला है कि शायद सीएसपी जगदलपुर जो है उन्होंने किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ किया है, तो वो सब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से वो भीड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थी या अन्य लोगों की थी, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो भी लोग वहां पे गाली गलौज कर रहे थे, इस तरह का माहौल थाने में बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत पुलिस को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। वही इस पूरे मामले में हंगामे के बाद विपक्षी नेता भी कांग्रेसी नेताओं पर हमलावर दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कांग्रेस की दादागिरी के आगे पुलिस प्रशासन भी बेबस और लाचार दिख रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ का हाल है। पुलिस अधिकारी के कार्यालय में घुसकर एक पुलिस अधिकारी को धमकी देना और घोर अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस विभाग को तत्काल कार्रवाई कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे। ये पूरी तरह से कांग्रेस सरकार जो है उसकी फेल्योर है, क्योंकि आज ये स्थिति जो जगदलपुर के अंदर जो दिखाई दे रही है, सिर्फ जगदलपुर के अंदर नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर अमूमन इसी तरह की स्थिति पूरी तरीके से है। तो कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से इनके लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। इनके ही अधिकारी इनके कंट्रोल पे नहीं है, इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और रही बात पुलिस की, मैं बात करना चाहूँगी तो पुलिस प्रशासन को अपनी जो संयम है उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर एक आम आदमी जाता है तो आम आदमी अपनी परेशानी को लेके जाता है। उस कंडीशन में अगर वो कोई आईपीएस अधिकारी है या कोई भी आला अधिकारी है, उसको कंट्रोल में रह के बात करनी चाहिए। और यही लोग
जब एक आम आदमी जाता है तब भी इसी तरीके से व्यवहार करते हैं, और जनप्रतिनिधि भी जाता है तो भी इसी प्रकार की इन लोग व्यवहार करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार के फेल्योर है जो ये कंट्रोल से बाहर हो गए। तो सत्ता के नशे में मदमस्त कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उपद्रव कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये जगदलपुर की ही बात नहीं है, उनके विधायक बृहस्पति सिंह एक बैंक कर्मचारी को सरेआम झापड़ मार रहे हैं, सबने देखा। कोंडा गांव में पुलिस के अधिकारी को मारा गया, पत्रकारों को मार रहे हैं, और जगदलपुर में तो हद हो गई, थाने के अंदर जाके पुलिस अधिकारी का घेराव किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि अगर पुलिस के अधिकारी ने आपके साथ में अभद्र व्यवहार किया या आपके साथ में बदतमीजी की, तो उसकी आप लिखित शिकायत कीजिए, उसके कुछ अधिकारी से बात कीजिए, आप कानून क्यों हाथ में ले रहे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनको लगता है कि हमारा फैसला ये सब चीज़ है, कानून किसी का कोई मतलब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ध्वस्त है, ये तो देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। जनसभा अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी से इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना अपराधी की श्रेणी में आता है, जो कि गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने कहा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा मारपीट करना असंवैधानिक है, इसलिए तत्काल गाली गलौज करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उचित जाँच पड़ताल कर पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई प्रकार की घटनाओं को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का अपना अपना बयान है, अपनी अपनी बात है, पर जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो शहर के किसी भी राजनीतिक दल के या किसी भी नागरिक के साथ मारपीट की घटना हो, वो भी गलत है, और किसी थाने के अंदर घुसकर कानून व्यवस्था के पालन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध हुड़दंगबाजी भी गलत है। दोनों ही घटना इस बस्तर जिले के लिए, खास तौर पर जगदलपुर शहर के लिए बेहद अशोभनीय घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस विषय और इस दिशा की तरफ जो है सरकार को और पुलिस प्रशासन को और राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए, और जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से लग रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि कुछ दिनों पहले कुछ कांग्रेस के युवाओं और पुलिस प्रशासन के बीच में कुछ बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है। गाली गलौज करना, अब शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे चीज़ों का हम कतिपय समर्थन नहीं करते हैं। तो अब इस मामले में सियासी मोड़ ले लिया है, विपक्षी लोग कांग्रेसियों पर हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधिकारी के समर्थन में आए लोग नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब ये मामला जांच का विषय बन गया है, अब इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो थाने में हुए बवाल ने अब कहीं ना कहीं सियासी मोड़ ले लिया है, जिस पर अब लगातार राजनीति भी गरमाई हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।